जब जब व्यापक जनसंपर्क हुआ है उसके बहुत ही रचनात्मक नतीजे निकलने को मिले हैं। और अगर दुनिया के इतिहास को भी आप एक परिपेक्ष में लेते हैं तो जब जब लोग लामबंद होते हैं, लोगों का मोबिलाइजेशन होता है, तो उसका एक दूरगामी परिणाम उस समाज पे भी पड़ता है और उस समाज की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उस पे भी पड़ता है। एक लोकतंत्र में, एक लोकराज में ये बहुत ज़रूरी है कि जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिल्कुल डरे बगैर अपना काम करें। और जब लोगों को ये लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि वो सरकार के ऊपर, जिसके पास बेइंतहा ताकत रहती है, उसके ऊपर अंकुश लगाने में नाकामयाब हो रही हैं, तो सीधा सीधा उसका असर लोकतंत्र पे पड़ता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे पड़ता है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी जो लोगों का भरोसा है लोकतंत्र में उस पर पड़ता है। कल जब मैं लोकसभा में फाइनेंस बिल पे बोल रहा था तो मैंने वो आंकड़े प्रस्तुत किए थे कि जो मनरेगा की डिमांड है वो 2014 से लेके 24 के बीच बहुत तेज़ी से बढ़ी। जो मनरेगा का बजट है वो लगभग दुगना हो गया है। इसका ये मतलब है कि जो रोज़गार के साधन हैं वो रोज़गार के साधन अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं, और इसलिए जो अर्थव्यवस्था का सारा फोकस है वो पूंजीपतियों से हटाकर जो मेहनतकश हैं, जो श्रमजीवी हैं, उनके ऊपर करना ज़रूरी है। और इसी तरह से ज़मीनी स्तर के ऊपर रोज़गार के जो साधन हैं वो पैदा होंगे। यू विल हैव टू रीओरिएंट द एंटायर फोकस ऑफ द इकॉनमी। देखिए, इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी बड़े सामाजिक उथल पुथल हुए हैं तो उसमें बड़े लोग नहीं शामिल रहे, उसमें आम लोग शामिल रहे, और इन आम लोगों ने कुछ लोगों को बड़े लोग बना दिया है। तो किसी भी आंदोलन की शक्ति कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता जिसके नाम के आगे अलंकार लगा हो, या देयर इज अ नाउन इन फ्रंट ऑफ द एडजेक्टिव। किसी भी आंदोलन की शक्ति और क्षमता वो आम लोग होते हैं जो बिना खौफ के किसी आंदोलन में भाग लेते हैं।